सुरक्षित जगह पनाह ले सकते थे, लेकिन इन्हें डर है अपनी बरसों की जमा पूंजी जोड़ के जो गृहस्थी बनाई है कहीं उस पर चोरों की नजर न लग जाए। हिफाजत के नजरिए से ये लोग पूरा जोखिम उठाते हुए, पूरा खतरा उठाते हुए इस बाढ़ के बीच भी अपने घरों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराए हुए हैं। ये आप देख रहे हैं छोटा सा बच्चा, वो राहत की सामग्री धीरे धीरे पहुंचा रहा है और कहीं दूर से वो लेके आया। ये बुरे हालात हैं इस शक्कर तालाब इलाके के, ये बरुआ का तटवर्ती इलाका और पूरा का पूरा पानी में डूबा हुआ। यहाँ एक बार फिर हम दोहराना चाहते हैं कि लोगों की पूरी उम्र गुजर जाती है एक घर बनाने में, लेकिन जब कुदरत नाराज होती है, कुदरत का कहर टूटता है तो मिनटों में पलों में पूरी की पूरी गृहस्थी तार तार हो जाती है, उसकी चिंदी चिंदी उड़ जाती है। और आज यहाँ देखिए वही तबाही और बर्बादी का मंजर, पूरा मकान डूबा हुआ और लोग गृहस्थी के चंद सामान लेके अपनी छतों पर किसी तरह गुजर बसर करते हुए। और हम बता दें आपको कि ये इनके हालात पिछले एक हफ्ते से इसी तरह बने हुए हैं और उसमें अभी कोई कमी आने की दूर दूर तक उम्मीद नहीं। ताजा यानी 3 बजे तक, आज दोपहर 3 बजे तक बाढ़ पूर्वानुमान केंद्र ने जो हम तक सूचना पहुंचाई है उसके मुताबिक गंगा और वरुणा का जल स्तर बढ़ते हुए 72.50 सेंटीमीटर पहुंच चुका है। 72.50 सेंटीमीटर पहुंच चुका है गंगा और वरुणा का जलस्तर, और इसमें अभी भी बढ़ोतरी 2 घंटे प्रति सेंटीमीटर की रफ्तार से जारी। यानी अब लगभग ये तय हो चुका है कि 2013 के बाढ़ का जो उच्चतम बिंदु है वो टूटने के कगार पर है, और ये सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कलेजा बैठने लगता है कि कितनी बड़ी तबाही इस इलाके में होगी। और हम फिर बताएं आपको कि इस इलाके में हम गुजर रहे हैं शक्कर तालाब का इलाका, ये जो हमारी नाव गुजर रही है इसके नीचे कई मकानात पूरे के पूरे डूबे हुए हैं, पूरे के पूरे मकानात को बाढ़ का पानी हिल चुका है, अपने आगोश में ले चुका है और हमारी नाव उसके ऊपर से होकर गुजर रही है। और वो जो सामने कुछ घरों को देख रहे हैं, कुछ मकानात को आप देख रहे हैं, उनका पूरा का पूरा एक मंजिल डूबा हुआ है पानी के अंदर, ऊपरी मंजिल में पनाह लिए हुए उम्मीद के साथ टकटकी बांधे हुए देख रहे हैं कि शायद उन तक मदद पहुंच रही है, मदद पहुंच रही हो। और हम फिर बताएं आपको कि हमारा हम इन सब दृश्यों को दिखाने का एक मकसद है हमारा कि किस मुश्किल में लोग जिंदगी जी रहे हैं, कितनी जरूरत है इनको मदद की, ये खबर आप तक पहुंचे और आप निकले इनकी मदद के लिए। दयालु जी है भाषा के, वो प्रदर्शन चल रहा है सीवर का पानी पास, जो जिंदगी के सामने, शहर की जिंदगी के सामने मुसीबत खड़ी हो गई है। दयालु जी कहाँ मौजूद हैं, कहाँ चल रहा है आपका प्रदर्शन? हेलो हेलो, संपर्क, हाँ लगता है संपर्क टूट गया दयालु जी का, और संपर्क होता है तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हालात हैं शहर के अंदर, लोग गुस्से में हैं और क्या अपने कैसे अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। तो उस समय कितने लोग मौजूद, इस समय कितने लोग मौजूद हैं आपके साथ? और आप
चुपचाप रहा, दो मिनट रुक गया, चुपचाप रहा, इतना काम पहले ना। जी जी अरे अभी आए ना तो दयालु जी, वहाँ क्या दवा वगैरह का छिड़काव वगैरह कराया है कि नहीं अभी प्रशासन ने? तो ये जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है हनुमान फाटक आदमपुरा के इलाके में, वहाँ सीवर का पानी जो है लोगों के घरों में पहुंच चुका है। प्रशासन का कहना है कि बाढ़ की वजह से ये समस्या आई है, लेकिन जो नागरिक और जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि वहाँ मौजूद हैं उन सबका कहना है कि बहुत बार बाढ़ आई, ऐसे हालात कभी देखने को नहीं मिले, इससे बड़ी बड़ी बाढ़ आई इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिली, इस बार कोई और वजह है। और सबसे ज्यादा शिकायत लोगों को प्रशासन की संवेदन शून्यता पर है। तो वहाँ भी शहर के अंदर भी जिंदगी मुश्किल से घिरी हुई, मुश्किलों में घिरी हुई, मुसीबतों में घिरी हुई। और जहाँ आप देख रहे हैं वरुणा का अथाह जल स्तर, गुस्से में वरुणा, नाराजगी में वरुणा, ऐसा लग रहा है इस पानी को देख के कि सारी सूखी जमीन सारे मकानात को निगलने पर उतारू वरुणा। ये हालात हैं इस इलाके के अंदर, सैकड़ों हजारों मकान, दर्जनों बस्तियां डूबी हुई हैं, करघों में पानी घुस गया है, करघे पूरी तरह डूबे हुए हैं, तबाही और बर्बादी का मंजर चारों तरफ बिखरा हुआ ये हालात हैं। और हर जुबान पर एक ही बात, एक ही दुआ मांगी जा रही है, सब यही कह रहे हैं कि ए लहर अब तो ठहर, बर्बादी तबाही से पूरी तरह परेशान लोग छतों पर पनाह लिए हुए अपने ही आसियाने में शरणार्थी बने हुए, और पूरा का पूरा मकान, पूरी की पूरी बस्ती बाढ़ के पानी से घिरी हुई। और ये सिर्फ शक्कर तालाब के हालात नहीं हैं, बल्कि वरुणा के तटवर्ती इलाके दूर तक कई किलोमीटर तक यही हालात हैं। पूरा पूरा का पूरा इलाका जलमग्न। भैया इसके नीचे ही मकान है पानी के। शहर की स्वयंसेवी संस्थाएं, सामाजिक संगठन अब इन इलाकों में आना शुरू कर दिए हैं, और ये सामने यहाँ से ऐसा लग रहा है कि कोई सामाजिक संगठन है, कोई सामाजिक संस्था है, शायद लायंस के लोग हैं और वो यहाँ इस इलाके में राहत सामग्री लेके पहुँचे हैं और इमदाद बांट रहे हैं लोगों को, पहुँचा रहे हैं लोगों को, और धीरे धीरे हम उन्हीं के करीब पहुँच रहे हैं। लेकिन एक बार फिर हम आपको बता दें कि हमारी नाव इस बाढ़ के इलाके में गुजर रही है बाढ़ के पानी से, इस पानी के अंदर कई मकानात अंदर हैं, हम उन मकानों के ऊपर से होके गुजर रहे हैं, सारे के सारे मकान डूबे हुए हैं बाढ़ के पानी में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गहराई तक पानी है, बाढ़ का पानी कितनी गहराई तक है। और ये हम धीरे धीरे हैं और उनसे भी जानने की ये राहत का कार्य किया जा रहा है। लोग उनके सदस्य मौजूद हैं नाव पर, और पूरा पूरी नाव जो है राहत सामग्री से भरी हुई है। इनसे इनके हाथों में जो पैकेट दिखाई दे रहे हैं, लगता है वो खाने के पैकेट हैं, ये खाने के पैकेट हैं। और इनसे बात करते हैं कि क्या क्या सामग्री और कहां कहां इन लोगों ने अब तक सामग्री। आपका सबसे पहले आपका नाम? सुनील जायसवाल। नजर नहीं आ रही है, हम एक बार फिर आपको बता दें कि इस समय यानी 3 बजे तक का जो बाढ़ पूर्वानुमान केंद्र की सूचना है उसके मुताबिक वाराणसी के अंदर बाढ़ का जलस्तर 72.50 मीटर तक पहुंच चुका है, और इसमें तेजी से
जो रफ्तार हो रही थी हल्की सी वो रफ्तार थमी है, जो रफ्तार थी 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा वो अब 0.5 सेंटीमीटर प्रति घंटा हो गई है। लेकिन फिलहाल इससे कोई बड़ी राहत की उम्मीद नहीं और बाढ़ पूर्वानुमान केंद्र का कहना है कि अभी रात तक पानी स्थिर होने या इस रफ्तार में कमी आने की कोई उम्मीद नहीं है। इस बीच बनारस के अंदर अटकलों का बाजार गर्म है, हर तरफ सिर्फ एक खबर कि किसी न किसी बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, किसी न किसी बांध से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से अभी पानी और बढ़ेगा। लेकिन हम बता दें आपको कि ये आधिकारिक पुष्टि उन बस्तियों की ओर जहां बढ़ रही है, उन बस्तियों की ओर जहां तमाम सारे लोग बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। आप देखें ये तटवर्ती इलाका पूरा बाढ़ से घिरा हुआ है, दर्जनों मकान, दर्जनों मोहल्ले बाढ़ के पानी से घिरे हुए। और इस बीच लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए अपने ढंग से नए नए साधनों का इजाद कर रखा है। यहाँ देखें कि ट्यूब पर सवार होके दो व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं नदी के बीच बीच में, जो बाढ़ से उतना ही गुजर रहा है, उसके बीच उसे चीरते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इस सहारे। और हमारी नाव इस समय पहुंच गई है बड़े गहरे जल राशि में और करीब पहुंच रही है पुराना पुल। पुराना पुल दिखाई दे रहा है और वो जो नाव सामने से आती नजर आ रही है उस पर भी राहत सामग्री नजर आ रही है। राहत पहुंचाने वाले किसी स्वयंसेवी संगठन संस्था के लोग उस पर सवार राहत सामग्री बांटने के लिए। और उधर देखिए अपने ही घरों में कई छतों पर पना लिए हुए लोग बड़ी उम्मीद के साथ उस नाव की ओर देख रहे हैं और तैयार हैं राहत सामग्री लेने के लिए। और हम भी धीरे धीरे उनके करीब पहुंच रहे हैं। तो जब तक ये राहत सामग्री उन तक पहुंचाते हैं, इस बीच एक जरूरी बात जो बहुत अहम बात है, इन इलाकों में राहत सामग्री लेके जो लोग पहुंच रहे हैं उनकी संख्या कम है। जितना बड़ा इलाका बाढ़ से प्रभावित है ये राहत ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। जरूरत है और मदद पहुंचाने के और खासकर प्रशासन को गौर करने की जरूरत है कि बाढ़ पीड़ित इलाकों में साफ पीने का पानी कैसे मुहैया कराया जाए, क्योंकि लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। और ये खाने का पैकेट लिए हुए लोग पहुंच गए हैं बाढ़ में घिरे मकान। और इन इलाकों में जो भी राहत और बचाव के लिए नावें तैनात की गई हैं, उन नावों पर भी कहीं लाइफ जैकेट देखने को नहीं मिला, कोई भी ट्यूब देखने को नहीं मिला। ईश्वर न करे कोई हादसा हो, अगर हादसा होता है तो कैसे बचाव कर पाएंगे, ये सोचने वाली बात है। प्रशासन को इस तरफ गौर करना चाहिए और कम से कम जितने भी नाव और जितनी भी बोट तैनात हैं बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद और राहत के लिए, उन सारी नावों पर सारी बोटों पर लाइफ जैकेट या ट्यूब की सामग्री जरूर मुहैया कराई जाए, जरूर उपलब्ध कराई जाए, नहीं तो हादसा हो सकता है। ये हमारी गुजारिश है प्रशासन से, हमारी गुजारिश है उन तमाम सारे लोगों से जो इन इलाकों में मदद और बचाव के लिए निकल रहे हैं। बाबू चलो।